स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यम शोम फन में। आज हम चिली इस देश के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं चिली के बारे में। चिली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यह साउथ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। इस देश की सीमाएं बोलिविया, पेरू और अर्जेंटीना से लगती है। चिली और इक्वाडोर ऐसे दो ही देश है साउथ अमेरिका में जिनका बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगता। इस देश की राजधानी सैंटियागो है। चिली को 18 सितंबर 1810 को स्पेन से आज़ादी मिली। आज हम चिली के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। चिली की आबादी लगभग 2 करोड़ है। चिली के लोगों को चिलियन कहते हैं। चिली में प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। इस देश के चलन को चिलियन पीसो कहते हैं और इनका लिटरेसी रेट 96% है। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल है। चिली 15 भागों में बटा हुआ है। यहाँ स्पेनिश बोलने वालों की संख्या अधिक है, इसी कारण स्पेनिश यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्पेनिश इनके ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, परंतु इनका एक्सेंट अलग है, चिलियन एक्सेंट कहते हैं। चिली दुनिया की लॉन्गेस्ट कंट्री है। चिली की लंबाई 4,300 किलोमीटर है और एवरेज विड्थ लगभग 177 किलोमीटर है। चिली के भूगोल में 80% हिस्सा एंड्स माउंटेन्स का है। सैंटियागो दुनिया की कुछ सेफेस्ट लार्ज सिटीज में से एक है। सैंटियागो में साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा टावर है ग्रैंड टोरो सैंटियागो। फर्डिनेंड मैगेलन पहले यूरोपियन है जिन्होंने चिली पर सबसे पहले कदम रखा 1520 में। मैगेलन के नाम पर साउथ अमेरिका में एक स्टेट भी है जिसे स्टेट ऑफ मैगेलन कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास गॉचोस है, यूएसए के पास काउबॉयज, ऑस्ट्रेलिया के पास स्टॉकमैन और मेक्सिको के पास वाकेरोस है। वैसे ही चिली के पास कील हॉर्समैन है जिसे हॉर्सेस कहते हैं। यह गॉचोस से अलग है क्योंकि ये खेती भी करते हैं और जानवर भी पालते हैं। सियाको यह डांस चिली का राष्ट्रीय डांस है। चिली दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वाइन एक्सपोर्टर है। चिली के मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से यह वाइन का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान और जगह चिली में स्थित है, उसे एटाकामा डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पर लगभग बारिश का एक भी बूंद नहीं गिरा है जब से हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है। यहाँ पे घोस्ट टाउन नामक एक जगह भी है। इसे घोस्ट टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अब कोई भी नहीं रहता है। जब इस जगह माइनिंग होती थी तब लोग यहाँ रहा करते थे। दक्षिणी चिली में 4000 साल पुराने पेड़ है। दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप चिली में आया था 1900 में। रिक्टर स्केल पर 9.5 तीव्रता नापी गई थी इस भूकंप की। पोर्टो विलियम्स दुनिया का सबसे दक्षिणी स्थित गाँव है। दुनिया की कुछ ऊंची झीलों में से एक चिली में भी स्थित है जिसे लेक चुंगारा कहते हैं। यह समुद्री तल से 4,520 मीटर ऊंचा है। चिली के 2 नागरिकों ने नोबेल प्राइज जीता है। आपको लगता होगा कि ममी सिर्फ इजिप्ट में मिलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। चिली में अब तक का सबसे पुराना ममी मिला है जो कि लगभग 9,000 साल पुराना है। चिली में अब तक का सबसे पुराना ममी मिला है जो कि लगभग 9,000 साल पुराना है। चिली में अब तक 250 से भी ज़्यादा ममी मिले हैं। चिली में पेंगुइन भी देखने को मिलते हैं। चिली में 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। यह पूल का एरिया 20 एकड़ है और यह 115 फीट गहरा है। इसे बनाने में 5 साल लगे। कुल $1 बिलियन का खर्च आया बनाने में। हर साल $2 मिलियन इसके मेंटेनेंस में लगते हैं। इसे द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्विमिंग पूल मिला। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कॉपर के उत्पादकों में से एक है। यहाँ सालमन मछली का भी बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। चिली में लगभग 1300 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ जापान जैसी ज्वालामुखी का उद्रेक होता है। यहाँ दुनिया का सबसे छोटा डियर द पुडू मिलता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पति और पत्नी अपना अपना सरनेम रखते हैं, यानी कि यहाँ पत्नी शादी के बाद भी अपना सरनेम नहीं बदलती। चिली में 2005 को डिवोर्स लीगल कर दिया था, परंतु चिली में डिवोर्सी की संख्या बहुत कम है। चिली में जहरीले सांप नहीं मिलते। यहाँ के ईस्टर आइलैंड बहुत ही फेमस है अपने मोआई स्टेटस के लिए। यह दुनिया भर के टूरिस्टों का आकर्षण केंद्र है। आप इसे हवाई ऑफ चिली भी कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।